देखिए बुरा न माने, मुगालते में न रहिए, मेरे और आपके दिलों में ईमान नहीं है, अकीदा है। अकीदा है वालदेन से मिला है, यकीन वाला ईमान कहां है? अपने गरीबान में झांकिए, अल्लाह आपको तौफीक दे। क्या मुझे वाकई यकीन है कि मुझे मरने के बाद जी उठना है? क्या मुझे यह वाकई यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है? क्या मुझे वाकई यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है? टटोली अपने दिलों को, अगर यकीन होता कि अल्लाह का कलाम है तो आप उसको समझने के लिए अरबी भी ना सीख सकते, अंग्रेजी आप पढ़े, और पढ़ी आपने ऐसी कि अंग्रेजों को पढ़ा दे, क्या नहीं किया, पीएचडी कर रहे हैं, कौन कौन से फनून नहीं सीखे, डॉक्टर, इतनी अरबी नहीं सीखी। तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा यकीन था मेरी किताब पर, अल्लाह पूछेगा तुम्हारा सुलूक क्या था मेरी किताब के साथ, तुमने पढ़ा उसको, समझा उसे, उसे समझने के लिए अरबी सीखी, तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोई ईमान नहीं था मेरी किताब। मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमा हो, जिन्होंने सूद को अपने पूरे निजाम की जुमझट बुनियाद बनाया हो उनका ईमान कोई है अल्लाह पर? हुजूर फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हराम किसी शेख को अपने लिए हलाल कर लिया उसका कोई ईमान नहीं। दोबारा आज भी करना है तो दोबारा ईमान पैदा करना, ईमान, अकीदा नहीं, ईमान। सिर्फ लिप सर्विस नहीं, इकरारुम बिल्लिसान नहीं, तस्दीकुम बिल्कलब।